हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? तो आज है 18 जून और आज निर्जला एकादशी है, तो सभी को राधे राधे, राम राम और सुबह की सुप्रभात। तो निर्जला एकादशी है आज और 18 जून को पीहू के पापा का जन्मदिन भी होता है। तो आज हमने डिसाइड किया कि आज ना हम आज के दिन ना हमारे मतलब हिंदुओं में तो सबको पता ही होगा वैसे, मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी बांटा जाता है ताकि गर्मी से थोड़ी राहत मिले। और वैसे आज के दिन है ना बहुत ज़्यादा जो बटता है ये वाला पानी, रूह अफ़ज़ा बोलते हैं इसको, दूध वाला, तो बहुत ज़्यादा बटता है। बट हमने कहा नहीं, आज पीयू के पापा का बर्थडे, हम भी आज ही बांटेंगे। फिर हमने डिसाइड किया हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हम अपने घर के सामने ही बांटेंगे ताकि सबको रिलैक्स रहे। और बच्चे तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो फिर मैं फटाफट उठी और जल्दी से नहा कर ना, मैं सोच रही थी फटाफट सफाई करके मेरे को नहाना है और नहा के मुझे नीचे जाना है, तो बस इसीलिए मैंने करी फटाफट सफाई। कल कपड़े धोए थे सोफे के, तो वो सब बिछाने ज़रूरी थे। और प्यारे लड्डू गोपाल जी भी नहा लिए हैं क्योंकि मैं भी नहा ली हूँ। जब भी मैं नहाती हूँ, नहाने के बाद मेरा पहला काम ही यही होता है लड्डू गोपाल जी को नहलाना और उनका श्रृंगार करना। तो चलिए देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर मैं बिना देरी करे ना फटाफट नीचे आ गई थी क्योंकि आगे की तैयारी करनी थी। फिर हमने ये बेंच वगैरह बिछवाए और पीयू की बुआ ने ना सारा जो बरांडा था वो धो दिया था। उससे पहले मैंने झाड़ू भी लगाई थी, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर हमने पानी डाला, चीनी डाली और चीनी घोलने लगे क्योंकि चीनी घोलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो काफ़ी देर तक हमने चीनी घोली। फिर इतना मतलब गुस्सा आया ना, और क्योंकि बर्फ़ जहाँ से हमने ऑर्डर पे रखी थी घर के पास ही है वो, उसने बोला कि आपका नाम लेके कोई और ले गया। इन द सेंस कि आज हर जगह रूह अफ़ज़ा बट रहा है, तो लोगों को लग रहा होगा कि इसने ही ऑर्डर करी होगी। उसने कहा भाई मेरे ऑर्डर की रखी है, मैं ले जाऊँ। उन्होंने सोचा भाई इसी के ऑर्डर की होगी, कुछ पता ही नहीं चला, मतलब गलती से कोई और ले गया मतलब हमारी बर्फ़। और पीहू के पापा बर्फ़ ढूंढते ढूंढते इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि बहुत ही ज़्यादा। तो बस ये हमने ना चीनी मिलाकर रूह अफ़ज़ा मिला दिया था। फिर हमने ये टेबल पे ना जो कागज़ बिछाया था ये ख़राब था, तो मैंने दूसरा पेपर यहाँ पे लगा दिया था। फिर बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने नीचे वाली किचन में ही ना जवे बना दिए थे, नमक मिर्च के प्याज वाले, टेस्टी टेस्टी। फिर ना मुझे याद आया लड्डू गोपाल जी को मैंने भोग नहीं लगाया, आज तो मेरे साथ ना करिश्मा ही हो गया। फिर मेरे याद आया कि हाँ जवे भी मैंने ना वो नमक मिर्च वाले और प्याज वाले बनाए हैं। तो फिर ना मैंने फटाफट लड्डू गोपाल जी के लिए नीचे रूह अफ़ज़ा बनाया। एक्चुअली पीयू की बुआ बना रही थी, उनकी कोई फ्रेंड आई हुई थी तो वो रूह अफ़ज़ा बना रही थी, तो मुझे याद आया हाँ मैंने लड्डू गोपाल जी को तो आज कुछ भी भोग नहीं लगाया क्योंकि मुझे नीचे आने की टेंशन हो रही थी। जैसे ही मैंने भोग लगाया ना लड्डू गोपाल जी को, तब ही बर्फ़ मिल गए, तो हो गया ना करिश्मा। लड्डू गोपाल जी कह रहे मुझे भोग लगाए बिना तुम चले गए। अब तो मेरे को ऐसा लगा और सच में ऐसा ही हुआ। उसके बाद देखो पीयू के पापा दो बर्फ़ की सिल्लियाँ लेकर आए और पीयू के पापा के सारे कपड़े भी गीले हो गए थे, फिर उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए थे। और आज तो मतलब देखो अब गर्म तो बांट नहीं सकते ना, गर्म गर्म तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती, इतनी गर्मी हो रही है, ठंडा ही अच्छा लगता है। तो बस बर्फ़ का ही इंतज़ार था, आ चुकी थी बर्फ़। उसके बाद बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई, बच्चे तो इतने एक्साइटेड हो रहे थे ना बहुत ज़्यादा, हम ये काम करें हम वो काम करें, तो बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर पानी जो है ना वो हम ठंडा करने के लिए लगे पड़े थे, सभी जद्दोजहद में मतलब लगे पड़े थे। फिर हमने दूध की कमी थी तो दूध हमने डाल दिया क्योंकि दूध हम पहले नहीं डाल सकते थे ना क्योंकि बर्फ़ नहीं आई थी और दूध मतलब बर्फ़ नहीं आई थी, तो इसलिए हमने सारा काम वहीं पे छोड़ दिया था। अब देख सकते हो दूध डालते ही जो था ना रूह अफ़ज़ा हमारा तैयार हो गया, तो और इतना टेस्टी बना था ना, ठंडा ठंडा चिल्ड। जब ये वाला बना था ना इसका भी मैंने भोग लगा दिया था मंदिर में, तो देखो कैसे बनाते ही सब लोग आ गए थे। और देखो काना और रियांश यहाँ पे सारे ही बच्चे लग गए थे, जैसे कि पीहू, काना, रियांश, परी, सब ने अपनी अपनी तरफ से जो हो सकता था वो सारे काम करे। और पीहू मेरे पास खड़ी हुई थी, ग्लास निकाल रही थी, सबको रूह अफ़ज़ा दे रही थी, रियांश और काना भी यही कर रहे थे। बच्चों का ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे कि हम भी करेंगे, तो सब अपने अपने अपनी तरफ से जो भी सेवा थी वो सब करते जा रहे थे। और बच्चे रूह अफ़ज़ा पीने का मारे थे, बोतल ज़्यादा भरवाने आ रहे थे, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, लोग जो घर पे बैठे हैं भाई वो पियेंगे, छोटे छोटे बच्चों से ऐसा होता है ना,
हम भी छोटे थे तो हमारी मम्मी कहती थी वहाँ पे जो कुछ बट रहा है जल ले आ, तो मैं क्या छोटे छोटे में तो देखो हम ले आते थे, जब हम थोड़े से समझदार हो गए ना तो मैं कहती थी नहीं मम्मी मैं नहीं जा रही है ना, ऐसे ही होता था ना। किस किस को ये वाली बातें याद है और कौन कौन मेरी बातें रिलेट करता है। तो बस यहाँ पे जो रूह अफ़ज़ा था ना वो बहुत ही, एक तो स्वाद बहुत बना था तो सभी लोग बहुत ही अच्छा भी बता रहे थे, और रूह अफ़ज़ा बढ़ता जा रहा था, बच्चे आते ही जा रहे थे। जो पहले वाला ये जो हमने पूरा ड्रम बनाया था ना ये तो बहुत ही जल्दी बट गया था। फिर हमने जो सामान था ना रूह अफ़ज़ा हमारा जो भाई बचा हुआ सामान था वो भी हमें जितना भी लाए थे हम तो वो बनाना बाकी रह गया था। तो इसके बाद हम वो वाला रूह अफ़ज़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो जो रूह अफ़ज़ा है ना वो आधा हो चुका है, और सेवा का तो यही काम है। मेरे बराबर में ना वो खड़ी हुई थी गुड्डी, वो कह रही है मैं भी कराऊँ कोई काम, मैंने कर ले तू भी करा दे। तो यहाँ पे देखो परी ने ना ऊपर से वीडियो बनाई है और सभी लोग अपनी अपनी सेवा कर रहे थे, और ये एक बहुत बड़ा दान होता है कहते हैं। देखो आज जो इस महीने ना पूरा महीने पिलाना चाहिए लोगों को, क्योंकि आप देख ही रहे हो गर्मी कितनी है, और आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी मैं बता नहीं सकती थी। पीयू के पापा कह रहे थे कि मैं जब बर्फ़ लेने गया था ना तो मेरी स्किन जल रही थी, इतनी बुरी तरह धूप हो रही थी। हाँ जी, तो पहले वाला जो ड्रम था ना वो क्या कहते हैं ख़त्म हो गया था, फिर दूसरा ड्रम हमने बनाया जैसे देख सकते हो आप, वही चीनी घोली। फिर तो सब आ गए थे, गली वाले भैया वगैरह सब आ गए थे, उन सब ने हेल्प करी, चीनी घोल के रूह अफ़ज़ा मिलाया, फिर बहुत सारी बर्फ़ डाली, फिर दूध डाल दिया, फिर बन गया था रूह अफ़ज़ा। और लेकिन ये वाला जो रूह अफ़ज़ा था ना इसको बटने में टाइम लगा, क्योंकि सभी लोग है ना चले गए थे बाद में, और कि लोग कितना ही पियेंगे। लेकिन हमारा बाद वाला भी ना सारा ही ख़त्म हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो लेकिन पहले वाला तो पता ही नहीं चला, इतना बड़ा ड्रम ये देखो आप कितना बड़ा था ये भिगोना, तो ये तो फिर बढ़ गया था। फिर इसके बाद है ना ये देखो इसका नाम है छोटा सा सरदार, नहीं इसका नाम है अंशु। ये कह रहा आंटी मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैंने कहा ठीक है तू ये कैंची चक्कू ले और रखा। फिर कह रहा आंटी मैं ये भी उठा के रख दूं, मैंने कहा बेटा रहने देना भारी हो रही है। नहीं नहीं मेरे को रखना है, मेरे को कह रहा है ये भी रख दूं, मैंने कहा ये भी रख दे, बस बस यही रख दे, हाँ जग भी रख कर आ भाई, ला मुझे दे दे, नहीं तुमसे नहीं होगी। अरे रिंकू ये तो सारे लग गए, रुक जाओ हट जाओ, दो देते इनको, हाँ गिरे, अरे रहने दे रहने दे, अब ये भोलू उठाएगा, ओ बाप रे रुक जा अंकल आ रहे। किस बात पे लड़ाई हुई है, देखा तूने तो कोई काम नहीं कराया ना, ये देख तू कितने प्यारे बच्चे हैं, इसका नाम क्या है, ओए सब अपने नाम बताओ, लाइन में खड़े हो जाओ, मेरा नाम है, थोड़ा जोर से, मेरा नाम है विक्की, निकलो, मेरा नाम है अंशु, अंशु मेरा नाम है अंकुश, अंकुश मेरा नाम है कार्तिक, कार्तिक मेरा नाम है निखिल, मेरा नाम है संदीप, संदीप मेरा नाम है सुमित, सबको आइसक्रीम खिला दो रिंकू। मैंने और पीहू के पापा ने ना मिलके सारी सफाई करी, पीहू के पापा पानी का पाइप पकड़ रखा था उन्होंने, क्योंकि वो ज़्यादा ना चिपचिप हो गया था तो वो सारे में पानी मार रहे थे, और मैंने झाड़ू से सारा साफ़ कर दिया था, क्योंकि देखो इसको बिना साफ़ करे तो शांति मिलेगी नहीं हमें, और हम अपना सारा काम खुद ही करते हैं तो हमारा कोई हेल्पर तो है नहीं है। तो खाली सबने आइसक्रीम, मज़ा आया, बताओ इधर आके बता, सुना है चौक बार खाई है, मजा आ गया ना, अब कहाँ चले गए, अच्छा बाय। तो यहाँ पे बच्चों को सभी को आइसक्रीम खिला दी थी, रुको रुको कहाँ जा रहे हो, अभी और भी बहुत सारी वीडियो पड़ी है। तो ये जो ड्रम था ना ये हमने सोचा ऊपर ही रख देते हैं, नीचे फिर बरांडे में फैला रहेगा। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, व्लॉग आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे।